दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी मैन मूवीज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, प्यार लोगों को क्या क्या करने में मजबूर कर देता है, और अगर प्यार करने वाला एक हत्याकारी हो तो वो प्यार कितनी दूर तक जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी के बारे में हमारी आज की मूवी है, जिस मूवी का नाम है जॉन वीक। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 और रोटन टोमेटोज पे ये मूवी 86% फ्रेश है। अगर आपने हमारे हिंदी मैन मूवीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मूवी के लीड एक्टर जॉन वीक को देखते हैं, जिसके नाम से ही इस मूवी का नाम पड़ा है जॉन वीक। जॉन बहुत ही घायल होता है और वो अपनी बीवी का एक वीडियो देख रहा होता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जॉन की बीवी, जिससे जॉन बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मर गई है। उसके मरने के बाद जॉन का दोस्त जॉन को समझाता है कि उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आना पड़ेगा। जॉन की बीवी जॉन के लिए एक डॉग छोड़ के गई थी। जॉन उस डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो लोसिफ नाम के एक लड़के से मिलता है जो उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। लोसिफ जॉन के घर पे आके जॉन के डॉग को मार देता है और जॉन की गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। लोसिफ वहां से जॉन की गाड़ी लेके एक गैरेज पे चला जाता है, जहां वो उस कार को रिपेयर और उसकी नेम चेंज करने के लिए डील करता है। अपने प्यारे डॉग को खोने के कारण जॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसकी बीवी के मरने के बाद वो इस डॉग से ही तो बहुत ज्यादा प्यार कर चुका था। फिर जॉन उसी आदमी के पास जाता है जहां पर लोसिफ जॉन की कार लेके गया था। फिर जॉन का दोस्त जॉन को बताता है कि लोसिफ वीगो का बेटा है, जो एक हत्याकारी है। ये लोग पैसे लेकर लोगों के खून करते हैं और इन लोगों को एसेसिन बोलते हैं। वीगो भी एक एसेसिन था। जब वीगो को पता चलता है लोसिफ ने जॉन के कार को चुरा लिया है, तब वीगो लोसिफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वीगो लोसिफ को बोलता है, तुम्हें पता है जॉन कौन है? फिर हमें जॉन के पास्ट के बारे में पता चलता है। जॉन भी एक एसेसिन है और जॉन बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। जॉन बहुत फोकस्ड था और वो कई सारे नामुमकिन काम भी कर लेता था। फिर वीगो जॉन को फोन करके रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वीगो को पता है जॉन लोसिफ से अपना बदला जरूर लेगा। वीगो जॉन को मारने के लिए कुछ लोग भेजते हैं, लेकिन जॉन उन्हें मार देता है। फिर जॉन वहां पर होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाता है, जो एसेंस के रहने का एक जगह है। जॉन वहां पर रहता है और वो लोसिफ के बारे में वहां से पूछताछ करता है। दोस्तों, होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसा होटल है जहां पर एसेसिंस रहते हैं और ये हेड टेबल के अंडर है। हेड टेबल एक ऐसा टेबल है जो सारे एसेसिन वर्ल्ड को मैनेज करता है। होटल कॉन्टिनेंटल में लड़ाई करना मना है। अगर यहाँ पर कोई भी खून बहा तो खून बहाने वाले को होटल कॉन्टिनेंटल के मेंबरशिप से निकाला जाएगा और उसे वही के वही मार दिया जाएगा। जॉन भी होटल कॉन्टिनेंटल का एक मेंबर है और इसीलिए वो यहाँ पर लोसिफ को ढूंढने आया है। जॉन लोसिफ को पकड़ता है, लेकिन लोसिफ वहां से भाग जाता है। फिर एक लड़की जॉन को मारने आती है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है और उससे ही वो वीगो के सारे काले धंधे के पैसे का एड्रेस जान लेता है। जॉन को वहां से वीगो के सारे ब्लैक मनी का पता चलता है और जॉन वहां जाके उस सारे ब्लैक मनी को जला देता है। फिर वीगो वहां पर पहुंचता है और जॉन उससे फाइट करके लोसिफ का एड्रेस जान लेता है। जॉन लोसिफ को ट्रेस करके उसे मार देता है और मूवी के आखिरी सीन में वीगो और जॉन के बीच एक फाइट होती है और बहुत ही मुश्किल से जॉन वीगो को भी मार देता है। फिर वो एक नया डॉग ले लेता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी वाइफ के साथ उसका आखिरी डेट था। कुछ बढ़िया बढ़िया एक्शन सीन्स, थ्रिलर और एक्टर्स के एक्शन सीन्स ने इस मूवी को बहुत ही ऊंचाई दे दिया था। इस मूवी के आने वाले दो चैप्टर में हम इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा इन डेप्थ जानेंगे। एसेसिन वर्ल्ड के और भी कुछ राज हम जानने वाले हैं। आई होप ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जल्दी से हिंदी मैन मूवीज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिए।
मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।